अस्सलाम वालेकुम। फिजिक 101 की असाइनमेंट में हमारे पास जो है दो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो है वो जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो कार है, एक जो है वो रेड एंड येलो, और हमने जो है इसमें जो फाइंड करना है वो हमने ये फाइंड करना है कि हमें जो है कितने डिस्टेंस पे जाके जो है वो ब्रेक जो है वो अप्लाई करनी ताकि उन दोनों कार में जो है वो कोलिजन ना हो, और कार का जो मास है वो हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे केजी है, मास गिवन है 2.0 × 10³, और उसकी वेलोसिटी गिवन है 45 m/s, और हमें जो है वो मतलब फ्रिक्शन जो फोर्स है वो भी गिवन है 7.5 × 10³, और हमें जो है वो फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे ब्रेक अप्लाई करें इनमें जो है वो कोलिजन ना हो। सम पार्ट ए का जो है वो क्वेश्चन नंबर ए का जो है वो डाटा हम लिख लेते हैं, मास वेलोसिटी और फ्रिक्शन जो फोर्स गिवन है। तो हमें पता है कि जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल होते हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन जो है अपोजिट होती हैं, और जो नॉर्मल फोर्स होते हैं हमारे पास जो है वो एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन, जो हमारे पास सेकंड लॉ है जैसे हमें पता है कि एफ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए, और ये अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट की साइन माइनस है यहाँ पे, और इट विल बी जो है वो माइनस एफ फ्रिक्शन। अब इनकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे बस, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी −3.745 m/s². अब ये जो हमने एक्सेलरेशन की जो वैल्यू जो है हमने फाइंड की, हमने जो है 30 क्वीन ऑफ मोशन जो है वो कन्वर्ट उसमें जो है वो पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। सो हम ये 30 क्वीन ऑफ मोशन यूज करेंगे 2SVF² −VI² हमने जो है यहाँ से एस फाइंड करना है, सो एस हम करेंगे VF² −VI² /2A। हमें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी थी जो इसकी जो है वो जीरो थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी में गिवन है जो कि 45 है, सो वैल्यू जो है जैसे इसमें रिप्लेस करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा, और जो वैल्यू जो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मैंने निकाली यही वाली वैल्यू जो है वो पुट करनी है, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन फाइंड किया था, सो इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं स्क्वायर करूंगा, सो इसका ये जाएगा 2025/7.5, और हमारे पास जो सो वैल्यू जब रिप्लेस करूंगा तो सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो हमारे पास 270 m आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास दो कार के दरमियान 270 m होगा तब ही जो उसमें जो है वो कोलिजन नहीं होगी। अब जो है चले पार्ट टू जो है वो सॉल्व करते हैं इसका। सो पार्ट टू में हम देखेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जो है वो 40 इनिशियल डिस्टेंस जो है 40 m हो, सो एडवर्ड स्पीड जो है वो कोलिजन वुड बी अकर, तो उसके लिए जो है अगेन हम जो है 30 क्वीन ऑफ मोशन जो है वो पार्ट बी में यूज करेंगे। क्वीन 30 क्वीन ऑफ मोशन हमारे पास हमें बताया कि 2AS जो है वो VF² −VI², जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने जो पहले यूज की थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो पहले आई थी वो हमारे पास −3.75। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है कि रिटार्डेशन, मतलब कि वेलोसिटी कम हुई है, तो जब चेंज इन वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे इक्वेशन में जो है वो पुट कर देते हैं। सो वैल्यू जो है ये रिप्लेस कर देंगे इसमें, और अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा −300 VF² जो हमने फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 2025। अब इसको जो है वो अरेंज कर लेते हैं −300 VF², जब इसको मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1725 और VF², तो VF की स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, सो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये VF की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, VF की जो वैल्यू होगी इट विल बी 41.45, ठीक है, जो हमारी जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो ये हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो इसका जो पार्ट सी में हमने ये बताया कि जो ऊपर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे इसकी जो है फिजिकल सिग्निफिकेशन बतानी है कि इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो है पार्ट 1 में हमने कहा कि जो वो दो बॉडी के दरमियान जब होगा डिस्टेंस 270 होगा तो तब उनमें जो कोलिजन जब होगा, सो पार्ट सी में हमने डिस्कस करना है कि जो हमने न्यूमेरिकल के जो आंसर निकले हमारे पास पार्ट ए पार्ट बी का, तो इसको हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होगी फिजिक्स की। तो हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो आंसर आया था कि 270 m, मतलब कि हमारे दो कार के दरमियान डिस्टेंस जो है 270 m होगा, तो हम इसमें कोलिजन से जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो अगेन जो है वो हम फिजिक्स को जैसे डेली लाइफ में जैसे हमने जब लेक्चर नंबर जो 12 पढ़ा उसमें डिपेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का पढ़ा, तो उसमें हम जैसे डोर हैंडल होता है हमारा वहाँ फिजिक्स का यूज़ है, और अगर मैंने जो है वो एक दो ऑब्जेक्ट की जो है वो एक रेस्ट में फाइनल बोर्ड वेलोसिटी फाइंड करनी हो एक्सेलरेशन पता हो तो मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, मतलब इन जो काइनेमेटिक्स हमने जो है वो सिंपल जो है वो काइनेमेटिक्स जो है वो इक्वेशन जो है वो यूज़ की हैं टू फाइंड आवर सॉल्यूशन। सो ये जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है इसको सॉल्व इसको यूज करके हम अपनी जो प्रॉब्लम जो है वो जो मोशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमको फाइंड कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 हम फाइनल जो क्वेश्चन हमारा उसमें जो है वो हमारे पास जो डाटा है मैं एक्सप्लेन नहीं करा जैसे सॉल्यूशन की तरफ मूव करूँ डायरेक्ट, तो मैं जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइल पर आर में गिवन है, सो और डिस्टेंस पर हमें फाइंड करना और फाइनल वेलोसिटी जो है वो रेस्ट में तो डेफिनेटली जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमने जो है वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें तो हमें क्वांटिटीज को जो है वो बैलेंस करना पड़ता है, यूनिट सेम रखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको जो है वो फीट में जो है कवर कर लेते हैं। सो माइल्स में अगर मैं इसको फीट को कवर करूँ फीट लिखूँ तो डायरेक्ट ये मैंने आंसर लिखी है, कैलकुलेशन में भी यहाँ नहीं करा जो डायरेक्ट हमें आंसर है वही लिखना है क्योंकि जस्ट ये असाइनमेंट है। सो हमारे पास हम बताए जो फीट जो होते हैं 1 mile जो है 5280 होंगे और सेकंड एन आवर जो है 3600 होंगे, सो हम इसको जो है जब कन्वर्ट कर लेंगे सो इट विल बी इसको जो है वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। देखो फीट पर माइल में एज इट इज आर है तो मतलब 36 से डिवाइड कर लेंगे 100 से, ये कैंसिल जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी ये आ जाएगी 1.67 ft/s, ठीक है। सो अब मैं जो है इसके जस्ट जो है डायरेक्ट 30 क्वीन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करूँगा और जो है डिस्टेंस जो फाइंड कर लूँगा।
सो इक्वेशन में हमारे पास जो है दो वेरिएबल मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास जब कुछ सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। तो हमें जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो है इसको मैं सिंपल जो है वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, जो है वो जीरो से वी आई जो है 1.67 स्क्वायर और 2s मतलब वो डिस्टेंस जो है वो जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2d हो जाएगा। सो इसको मैं क्या करता हूँ जस्ट जो है वो डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। सो ये टर्म तो वैसे जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी, ये माइनस जो है वो इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, सो इट विल बी मेरे पास जो वैल्यूज आएगी ये हमारे पास आ जाएगी 1. जो है वो 0706 जो है वो डी, तो 2 पे जो है मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, सो ये मेरे पास आ जाएगी फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है एक्सेलरेशन आ गया, अब एक्सेलरेशन भी आ गया, तो अब इसको जो है वैल्यू में पुट करके हम जो आंसर फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट उसने केस पूछा अगर वेलोसिटी को जो है डबल कर देंगे तब उस पर क्या जो है इफेक्ट करेगा। सो जस्ट हमने करना वी की वैल्यू जो हमने फाइंड की उसको जिसमें जस्ट जो है वो पुट कर देंगे। सो अगर वी की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो वी हमारे पास जो है वो 2 भी है और वी की वैल्यू थी 1.67। ठीक है, सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.934 वी फीट पर सेकेंड। सो वी एफ तो हमारे पास पता है, हमें जो है डाटा में गिवन है 0 है और हमें जो है एस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सो अगेन जो है हम ये इक्वेशन यूज करके कर लेंगे और वैल्यू जो रिप्लेस करता हूँ इसका आंसर लिख लेता हूँ। सो जो है अब हम क्या करेंगे, जस्ट जो है वो वैल्यू जो रिप्लेस कर देंगे। सो हमें पता है जो वी एफ हमारे पास कहता 0 था और वी आई हमने जो अभी निकाला 2.934 एक्स स्क्वायर और हमारे पास जो है यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमारे पास जो थी वो हमने जो है अभी फाइंड की 1.076 ओवर डी, तो डी जाके जो है वो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट आंसर सिंप्लीफाई करके जो लिख लेता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 8.607 और डिवाइड बाय 2.152 होगा। हाँ, और ये डी जो है ऊपर जाकर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास डी आ जाएगा 4d। सो इसका मतलब कि जब डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम हो जाएगा ओरिजिनल जो है वो डिस्टेंस के। थैंक यू।